चौथी महिला की मौत की जानकारी सामने आई है और अभी तक मलबे से चार शव निकाले जा चुके हैं। बताते चलें कि बीती रात राठौर कॉलोनी में विस्फोट हुआ था, जिसके बाद लगातार 14 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद चार महिलाओं के शव निकाले गए हैं। तो वहीं विस्फोट में घायल महिला की जान भी चली गई है। विस्फोट के कारण पता करने में FSL दल जुटा हुआ है। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां बता दें कि मुरैना में जो विस्फोट हुआ था उसमें घायल चौथी महिला की मौत की यहां पर जानकारी सामने आई है और अभी तक मलबे से चार शव निकाले जा चुके हैं। तो वहीं बीती रात राठौर कॉलोनी में विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। तो वहीं इसके बाद लगातार 14 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और चार महिलाओं के शव निकाले गए हैं। विस्फोट में घायल महिला की जान चली गई है। विस्फोट के कारण का पता लगाया जा रहा है। FSL की टीम लगातार जुटी हुई है। इस घटना को लेकर सभी पहलुओं से जांच कर रहे हैं। अभी मेरे द्वारा और जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, रेंज के वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा पीड़ित परिवार से और जो मकान प्रभावित हुए हैं आस पड़ोस के लोगों से बातचीत की गई है। अभी हम लोग कोई भी एंगल इसमें डिस्काउंट करके नहीं चल रहे हैं और पूरी गंभीरता से इसमें इसकी तह तक जाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कारण है जिस वजह से ये घटना हुई। क्योंकि जो टॉप प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि कोई घायल अगर अंदर फंसा हुआ है तो उसको हम जल्दी से जल्दी चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करा सकें, उसको निकाल सकें। तो तत्काल में हमारी प्रायोरिटी उसी तरफ है। अभी भी आप देख रहे हैं कि एक बॉडी अभी निकली है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस घटना की तह तक जाएं, इसका खुलासा करें। 15-20 मिनट्स में पूरी की पूरी टीम जो है जिला प्रशासन की और फिर साथ साथ में पुलिस प्रशासन की यहाँ पे पहुंची। स्वास्थ्य की टीम हो गई, नगर निगम की टीम हो गई, रेवेन्यू की टीम हो गई। वर्तमान तक यहाँ पे 5 तो अपने ऐसे लोग थे जिनको सीधे सीधे ग्वालियर रेफर कर दिया गया था। सबसे अच्छी चीज ये है कि वो सारे के सारे आउट ऑफ डेंजर हैं। 2 तो उसमें से संभवतः अपने डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। वर्तमान में मलबे के नीचे से 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और फिर उनके जीवित होने की संभावना काफी कम है। तो फिर उसको एक बार हमारे मेडिकल ऑफिसर्स देख लेंगे, उसके बाद में इसकी पुष्टि हो पाएगी। पूरा का पूरा फोकस अभी वर्तमान में यही है कि मलबे के नीचे यदि और कोई व्यक्ति अभी दबा हुआ है, राइट, इसके संबंध में हम लोग की जो भी फैमिलीज हैं आसपास की उन लोगों से भी बातचीत हो रही है। तो अभी प्राइमा फेसी फोकस तो यही है कि यदि कोई भी जीवित व्यक्ति को हमारी टीम यहां पे बचा पाए तो बेहतर रहेगा। पर ज्यादा जानकारी के साथ मुरैना संवाददाता उपेंद्र गौतम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, अपडेट क्या कुछ कहती है और क्या रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है? देखिए, अभी एहतियात के तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया गया है, लेकिन मैं आपको बताऊं 14 घंटे के अंदर जो पुलिस प्रशासन द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था उसके दौरान चार शव उसमें से निकाले जाते हैं। चार महिलाओं की है, 2 परिवारों की महिलाएं हैं, विद्या और पूजा राठौर है, जबकि वैजंती और बिमला दोनों पास से है। ये उसमें किराएदार थी। जबकि मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों ने कुछ लोग और इसमें दबे हो सकते हैं, कुछ लोग अभी आपको बताए जा रहे हैं, हालांकि पहले की तस्दीक कर रहे हैं। इसलिए प्रशासन द्वारा और पुलिस द्वारा 2 घंटे तक और भी रेस्क्यू अभियान जारी रखा गया है। हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि बीती रात 12 बजे के लगभग अचानक एक मकान में विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के कारण 3 से 4 मकान धराशायी हो गए। इस मलबे में करीब 5 लोग घायल हुए, वहीं 4 लोग लापता हो गए थे। जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम पर मौके पर पहुंची। बिल्कुल, अब टीम लगातार जांच कर रही है। आखिर इस हादसे को लेकर भी अब जांच का विषय बनता है और उसी की जांच जारी। बहुत शुक्रिया उपेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे खबरों